क्वेश्चन नंबर सिक्स, एफ ऑफ जेड इज गिवन, क्वेश्चन इज देयर इन अ पावर ऑफ, ठीक से देखो अभी, इन अ पावर ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस वन। प्रीवियस क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने किया था वो पावर में था जेड माइनस फोर, इन टर्म्स ऑफ पावर दिया था आपको क्वेश्चन में, मेंशन किया था। यहां पे मेंशन किया है जेड इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये कैसे इन टर्म्स ऑफ पावर क्या होगा एग्जैक्टली, माइनस वन को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड पे तो प्लस वन होगा, तो इन अ पावर ऑफ जेड प्लस वन आना चाहिए, तो आपका पूरा आंसर जो है वो जेड प्लस वन के टर्म्स में आना चाहिए आपको। सो मतलब उसके हिसाब से भी सॉल्व करते हैं। सो हियर पर सबसे पहले क्या करो, ये जो दिख रहा है आपको ये इक्वेशन, इसको सेपरेट करना है बाय यूजिंग व्हिच मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन। सो सबसे पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करता हूं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सेवन जेड माइनस टू अपॉन जेड जेड माइनस टू ब्रैकेट जेड प्लस वन। सो इसका फैक्टर्स क्या होगा कोई बता सकता है, देर आर थ्री टर्म्स, तो थ्री फैक्टर्स, ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड माइनस टू एंड सी अपॉन जेड प्लस वन। देन क्या करोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मैं और नीचे का टर्म कैंसिल होगा, मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूं आपके लिए क्योंकि उतना जगह नहीं मेरे पास, तो सेवन जेड माइनस टू नीचे कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू क्या होगा जेड माइनस टू जेड प्लस वन। सो हियर जेड माइनस टू एंड जेड प्लस वन हो गया। देन आफ्टर दैट प्लस बी इंटू जेड इंटू जेड प्लस वन, बी इंटू जेड प्लस वन एंड लास्ट सी इंटू जेड माइनस टू। ओके ये तो पता है ना आपको, c into z into z minus 2 हो गया। उसके बाद क्या करो, ये अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ। सो हियर 7z minus 2 is equal to, सबसे पहले मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, मैंने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में बताया था आपको, फिर भी एक बार देख लो, z into z z square, ये दोनों का एडिशन क्या होगा minus 2 plus 1 कितना होता है minus 1z हो जाएगा, एडिशन करो एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होगा minus 2 into 1 minus 2, आप चाहिए तो चेक करके देख लो, इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर बाद में यही आएगा। ओके प्लस बी जेड से मल्टीप्लाई करो इनसाइड, बी जेड इंटू जेड बी जेड स्क्वायर प्लस बी जेड इंटू वन बी जेड लास्ट सी जेड इंटू जेड सी जेड स्क्वायर माइनस सी जेड इंटू टू टू सी जेड हो गया मल्टीप्लिकेशन। देन अब ये ए अंदर मल्टीप्लाई करना पेंडिंग है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 7z minus 2 is equal to a into z square, az square minus a into z, az minus 2a, a से मल्टीप्लाई किया, plus bz square plus bz plus cz square minus 2cz, ये as it is लिखा है। Then next step क्या करोगे, z square common ले लो, तो यहाँ से z square common आएगा, यहाँ से z square common आएगा, यहाँ से z square common आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, देन माइन प्लस z कॉमन लो। अभी z के लिए देखो यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, सो आपको क्या करना है ये कॉमन लेना, तो z कॉमन लिया तो क्या बचेगा सिंबल के साथ माइनस a, देन यहां से z कॉमन लिया तो प्लस b और यहां से z कॉमन लिया तो माइनस 2c हो गया, और रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या रिमेनिंग माइनस टू है, बस माइनस टू है इतना ही बचा है, बाकी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे 7z माइनस 2, अब आपको कंपेयर करना है z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस b प्लस c, यहां पे z स्क्वायर है क्या मुझे बताओ, नहीं है, अब्सेंट है 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या करोगे आप लोग, देन यहाँ पे z का कोएफिशिएंट क्या है माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट कितना है 7, इक्वेशन नंबर 2 एंड लास्ट कांस्टेंट इज माइनस टू ए इज इक्वल टू हियर माइनस 2। ओके सो आपको यहाँ पे आपको 2 2 गेट कैंसिल माइनस माइनस जाएगा, ए का भी डायरेक्टली मिल जाएगा 1 मिल जाएगा आपको, सो आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर सकते हो, और एल्स आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सो हियर अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के बाद a एंड b एंड c का आंसर आपको मिलेगा,
ए का वैल्यू आपको यहां से डायरेक्टली मिल रहा है, आप डायरेक्टली देख सकते हो 1, ओके। देन बी का जो वैल्यू मिलेगा आपको मिलेगा 2, एंड सी का वैल्यू जो आपको मिलेगा -3, बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एंड देन फाइनली मैं इसको क्या करता हूं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहां पे पुट अप करता हूं, ए का वैल्यू कितना है 1, 1 बाय जेड प्लस बी का वैल्यू 2 अपॉन जेड माइनस 2, एंड सी का वैल्यू है -3 है ना, तो माइनस डाल देता हूं, यहां पे -3 जेड प्लस 1, ये हो गया आपका इक्वेशन, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां पे आपको क्या बोला है, जरा ठीक से चेक करो, आपको चाहिए पावर जो चाहिए इन टर्म्स ऑफ जेड इज इक्वल टू -1, -1 वहां पे गया तो क्या होगा जेड प्लस 1, तो ये तीनों में यहां पे देखो ये जेड प्लस 1 है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, ये वैसे ही रखना क्योंकि ऑलरेडी जेड प्लस 1 है और मुझे वैसे ही चाहिए। लेकिन ये दो टर्म जेड प्लस 1 में है क्या, नहीं है, सो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे कन्वर्ट, सी अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए जेड प्लस 1 चाहिए, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्लस 1 भी करता हूँ माइनस 1 भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही कुछ किया था उन्होंने अरेंजमेंट, वहां पे जेड माइनस 4 चाहिए था तो माइनस 4 प्लस 4 लिया था, यहाँ पे प्लस चाहिए तो पहले प्लस लिया बाद में माइनस लिया, देन ये इसका हो गया प्लस 2 अपॉन जेड, अभी आपको क्या चाहिए प्लस 1 चाहिए ना, तो यहाँ पे प्लस 1 एंड माइनस 1, एंड एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे क्या पेंडिंग है माइनस 2, क्लियर है, एंड लास्ट इज -3 अपॉन जेड प्लस 1, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी ये जेड प्लस 1 में है, एंड देन फाइनली एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 1, ये अलग से फैक्टर लेना है, तो रिमेनिंग टर्म इज माइनस 1, रिमेनिंग टर्म इज माइनस 1, नेक्स्ट हियर 2 अपॉन जेड प्लस 1 इज 1 फैक्टर, और माइनस 1 माइनस 2 क्लब कर दो -3 हो जाएगा, एंड -3 अपॉन जेड प्लस 1, ये जो दिख रहा है इसको कुछ नहीं करना है एंड तक, ये वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपके दोनों को सॉल्व करना है, कंडीशन इससे लेना है, इसका अभी कोई रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो जेड प्लस 1 के पैटर्न में ऑलरेडी अवेलेबल है, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ओके। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, इसको केस 1 से सॉल्व करना है, सो मैं भी केस 1 से सॉल्व करता हूँ, केस 1 क्या है जरा चेक करते हैं, अभी उन्होंने दिया है क्या केस 1, नहीं तो आपको गेस करना है, कैसे गेस करोगे, आपके पास क्या है z प्लस 1 है, तो मॉड z प्लस 1 इज लेस देन, ये 1 नंबर है और 3 नंबर है, लेस देन 1 होगा, एंड दूसरा होगा मॉड z प्लस 1, ये क्या होगा 3 से भी लेस होगा, अगर 1 से लेस है तो ऑटोमेटिक वो 3 से लेस होगा, सो हम लोग क्या करेंगे अभी इसमें से कॉमन टर्म लेंगे, क्या कॉमन लेंगे कोई आइडिया, जो ग्रेटर है उसको कॉमन लेते हैं, दोनों में ग्रेटर क्या है 1 ग्रेटर है, तो इसमें से 1 कॉमन आएगा, तो नेगेटिव इसलिए माइनस 1 लेना है, और ये दोनों में से 3 ग्रेटर है तो उसको 3 कॉमन है, तो मैं आप लिख लेता हूं टेक 1 माइनस 1, क्यों माइनस 1, क्योंकि ये नेगेटिव इसका माइनस 1 ले रहा हूं, एंड टेक माइनस 3 कॉमन, यहां से माइनस 3 यहां से माइनस 1, माइनस क्यों ले रहा हूं क्योंकि वहां पे नेगेटिव टर्म है इसलिए माइनस ले रहा हूं, सो अभी कॉमन लेना है मुझे, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां से क्या कॉमन लोगे आप लोग माइनस 1 क्योंकि 1 ग्रेटर है, सो माइनस 1 कॉमन लिया मैंने, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ओके, सो माइनस 1 कॉमन लिया तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ कॉमन आएगा माइनस 1 आएगा, तो बचेगा माइनस जेड प्लस 1 क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना मैंने, एंड यहां से माइनस 1 गया तो प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा प्लस 1, देन नेक्स्ट 2 अपॉन, यहां से क्या कॉमन लोगे आप लोग -3, अगर मैंने -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे है क्या -3, नहीं है, तो आप लोग कैसे लोगे z प्लस 1 अपॉन -3, यहाँ पे भी आप डिवाइड बाय -1 लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो डिवाइड बाय -1 से कोई चेंजेस नहीं होता, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, देखिए -3 नीचे जाए आपको सेम यार, यहाँ से -3 गया तो प्लस 1 बचेगा, हो गया, एंड नेक्स्ट -3 अपॉन जेड प्लस 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये लास्ट वाला टर्म वैसे ही रखना आपको, और ये दोनों मैंने उसको कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे उसको z प्लस 1 के पैटर्न में लाना है, ठीक है, देन इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो तो f ऑफ z इज इक्वल टू
वन अपॉन माइनस वन क्या होगा, माइनस वन होगा, ये ब्रैकेट ऊपर गया तो क्या होगा, वन माइनस जेड प्लस वन इनवर्स, मतलब अरेंज भी किया और न्यूमरेटर में भी शिफ्ट किया, देन हियर 2 बाय 3 ये नेगेटिव है ना, तो माइनस 2 बाय 3 और ये ब्रैकेट अगर न्यूमरेटर में गया तो 1 माइनस जेड प्लस 1 अपॉन 3 इनवर्स। अब ये माइनस कहां से आ गया, ये है ना माइनस, नीचे लिखने से अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस, ओके, देन लास्ट माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 1, इसका कोई चेंजेस नहीं करना, उसको वैसे ही रखना है आपको, हो गया। तो अभी आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो 1 माइनस है तो ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होगा, हियर आल्सो 1 माइनस तो भी सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होगा, सो अभी मुझे इसको एक्सपैंड करना है, f(z) -1 ब्रैकेट, क्या होगा एक्सपेंशन, 1 प्लस ऑल टर्म्स आर प्लस, क्या लिखोगे, z + 1 + z + 1 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, बस इतना ही कर दो क्योंकि जगह कम है। नेक्स्ट माइनस 2 बाय 3, इसको भी एक्सपैंड करना है, यहाँ पे माइनस है तो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो 1 प्लस z प्लस 1 बाय 3 प्लस z प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ओके, आपको चाहिए तो आप 3 तक लिख सकते हो, और एक पेंडिंग है दैट इज माइनस 3 अपॉन z प्लस 1, ये लास्ट वाला टर्म, ओके, तो जरा चेक करो ये पूरा आंसर आपको z प्लस 1 के पैटर्न में मिल गया, ऑल इक्वेशन आर इन z प्लस 1, और आपको उन्होंने वही बोला था कि आपको इन अ पावर ऑफ z प्लस 1 लेना, क्लियर है, तो ये हो गया केस 1, ऐसा और दो केसेस पेंडिंग है, सो पहले ये लिख लो फिर हम लोग आगे का कवर कर लेते हैं। सो केस 1 हो गया था, अभी केस 2 एंड केस 3 पेंडिंग है, तो यहां पे हम केस 2 सॉल्व करते हैं, केस 2 क्या होगा, पहले क्या था, केस क्या लिया था उन्होंने, लेस देन 1 लेस देन 3, क्योंकि यहां पे 1 एंड 3 नंबर है, इसको कुछ कंसीडर नहीं करना आपको, अभी mod of z plus 1 ये जो है वो 1 से greater होगा लेकिन 3 से less होगा, क्या होगा, ये 1 से greater होगा, mod of z plus 1 ये 1 से greater 3 से less, और third वाला क्या होगा, greater than 1 and greater than 3 होगा। तो पहले second case कर लेते हैं, तो हम लोग को क्या करना है इसमें common, इसमें 1 and z plus 1 में आपको क्या करना है, from this, और फर्स्ट में से मैं अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी ये मेरे हिसाब से हम लोग का 6th सम है, तो आप खुद से कर लो, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान रखो, हम लोग क्या करेंगे दोनों में 1 एंड z + 1 में z + 1 ग्रेटर है तो इससे z + 1 कॉमन आएगा, एंड z + 1 एंड 3 में 3 ग्रेटर है तो 3 कॉमन आएगा, यहां से z + 1 यहां से 3 लेना आपको कॉमन, सो मैं कॉमन लेता हूं यहां पे f(z) = 1 upon, यहां से ये दोनों में से z + 1 कॉमन ले लो, z plus 1 common ले लो, अगर मैंने यहां से z plus 1 common ले तो इसके जगह पे आएगा 1 minus 1 upon z plus 1, 1 minus 1 upon z plus 1, then plus 2, इसमें से क्या common लोगे आप लोग, ये दोनों में से आपको 3 common लेना क्योंकि 3 greater है, तो 3 common ले रहा तो minus 3 के साथ लेता हूं क्योंकि 3 negative term है तो negative भी ले लो, so यहां पे बचेगा ये z प्लस 1 अपॉन माइनस 3, नीचे जो नहीं है तो नीचे ले लो, और यहां पे प्लस 1, क्यों प्लस 1, माइनस 3 गया तो प्लस ही बचेगा ना, और कभी भी 1 पॉजिटिव होना चाहिए इस एरिया, और थर्ड को कुछ भी मत करो, उसको सिर्फ कॉपी करो क्योंकि वो आपको एक्सपैंड नहीं करना क्योंकि ये पावर ऑफ z + 1 में ही चाहिए मुझे, z + 1 है हां, यहां पे हो गया z + 1 z + 1, देन उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूं मैं, तो f(z) = 1 अपॉन z प्लस 1, ये अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट किया आपने तो क्या होगा 1 माइनस 1 बाय z प्लस 1 इनवर्स, ओके, एंड नेक्स्ट माइनस 2 बाय 3, माइनस 2 बाय 3 ब्रैकेट 1 प्लस, ये 1 प्लस है z प्लस 1 अपॉन क्या है माइनस 3, तो इसको मैं माइनस कर देता हूं, माइनस 3 इनवर्स, एंड लास्ट 3 अपॉन z प्लस 1, इसको कुछ नहीं करना, देन इसको एक्सपैंड करो 1 माइनस 1 माइनस, तो सेकंड फार्मूला यूज करना आपको, तो f(z) हियर 1 अपॉन z प्लस 1 एज इट इज, इसका एक्सपेंशन करो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो 1 प्लस 1 बाय z प्लस 1 प्लस 1 बाय z प्लस 1 द होल स्क्वायर
प्लस वन बाय जेड प्लस वन दी होल क्यूब डॉट 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 खत्म। सेकेंड माइनस टू बाई थ्री ब्रैकेट माइनस टू बाई थ्री ब्रैकेट वन, यहां पे भी माइनस है तो ऑल टर्म आर पॉजिटिव, जेड प्लस वन बाई थ्री, जेड प्लस वन बाई थ्री द होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, बस दो तक लेता हूं, आपको चाहिए तो थर्ड तक लो आप लोग। और लास्ट वाला जो टर्म है माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस वन, ये एज इट इज लेना, क्या कहना है एज इट इज। सो ये हो गया एक्सपेंशन, हो गया एक्सपेंशन, ये सेकेंड केस का हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूं। अभी केस थ्री क्या करना, आपको केस थ्री लेना है। सो केस थ्री इज वॉट, केस थ्री इज इक्वल टू, अभी ये वन एंड थ्री के बीच में था, पहले वन एंड थ्री से लेस था, तो अभी क्या होगा थर्ड केस, केस थ्री होगा मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज ग्रेटर देन थ्री, सो ऑटोमेटिकली जेड प्लस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन होगा, अगर थ्री से ग्रेटर था ऑब्वियसली वन से भी ग्रेटर था, तो जो ग्रेटर है उसको कॉमन लो, तो दोनों में ग्रेटर है जेड प्लस वन तो दोनों में जेड प्लस वन कॉमन लो, जो कि आपका क्या था जेड प्लस वन, तो ये सेम आने वाला है आपको, लेकिन सेकेंड वाला केस चेंज होने वाला है, सो हम लोग उसको जेड प्लस वन कॉमन लेते हैं। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये मेन इक्वेशन दिख रहा है, तो वन अपॉन इसमें से क्या कॉमन लोगे दोनों में से, ग्रेटर क्या है जेड प्लस वन, जेड प्लस वन, सो यहां से जेड प्लस वन कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहां पे बच गया वन माइनस, यहां पे जेड प्लस वन नहीं है तो वन अपॉन जेड प्लस वन, ओके, देन प्लस टू अपॉन, यहां से भी क्या कॉमन लोगा थ्री एंड जेड प्लस वन में जेड प्लस वन कॉमन लेना आपको, तो z प्लस वन ब्रैकेट यहां पे बचेगा वन माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस वन, हो गया है, और लास्ट ये एज इट इज माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस वन, हो गया, देन उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, सो लास्ट f ऑफ z इज इक्वल टू वन अपॉन जेड प्लस वन, ये इनवर्स में आ गया तो क्या होगा वन माइनस इट बी माइनस वन अपॉन z प्लस वन इनवर्स प्लस टू अपॉन z प्लस वन एज इट इज, और ये ऊपर आएगा तो क्या होगा वन माइनस थ्री अपॉन z प्लस वन इनवर्स एंड माइनस थ्री अपॉन z प्लस वन, हो गया ये। उसके बाद आप उसको एक्सपांड करो, जैसे कि हमने यहां पे इसको एक्सपांड किया था ना, सेम यहां पे आंसर आने वाला है, सो फाइनल आंसर इज वन अपॉन जेड प्लस वन एज इट इज, ये माइनस है तो ऑल टर्म आर प्लस, सो वन प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, प्लस टू अपॉन जेड प्लस वन ब्रैकेट वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस वन द होल, क्या आएगा यहाँ पे पावर टू आएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म इज माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस वन, क्या किया मैंने ये वन माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन के लिए सेकेंड फॉर्मूला यूज किया, तो वन प्लस दैट टर्म का स्क्वायर किया डॉट डॉट डॉट, सेकेंड में भी वही किया मैंने वन प्लस, क्योंकि ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव विद द पावर वन विद द पावर टू, लास्ट टर्म एज इट इज, दिस इज योर फाइनल आंसर, सो ये टिक्स लिख लो और प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।